आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी है। रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाओं को आयरन की कमी काफी ज्यादा होती है। हाय, फिट निंजा में आपका स्वागत है। मेरा काम है आपकी सेहत का ख्याल रखना। मैं रोज आपके लिए एक वीडियो लाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आइए बात करते हैं आयरन डिफिशियंसी के बारे में। वीमेन हैव पीरियड्स एवरी मंथ, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन का लेवल कम होने लगता है। ऐसे में वीमेन को ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 19 से 50 ईयर के लेडीज को हर दिन 18 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए और पुरुषों को सिर्फ 8 मिलीग्राम आयरन ही काफी है। और प्रेग्नेंट लेडी, किडनी डिजीज, अल्सर और वेजिटेरियन लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा आयरन लेना चाहिए। आपको आयरन की कमी तब होती है जब आपका डाइट सही ना हो, या आपका डेली रूटीन गड़बड़ हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो। आइए जानते हैं आयरन की कमी कैसे पूरी होगी। पहला, आयरन से भरपूर चीजें खाएं, जैसे सिट्रस फूड्स, बीन्स, दाल, टोफू, पालक, ब्रोकली। दूसरा, लोहे के बर्तन में खाना बनाएं। आप अपने किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोहे के बर्तन का यूज करेंगे तो आपके घर में कभी किसी को आयरन डिफिशियंसी नहीं होगी। किशमिश भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप रात में किशमिश को सोक कर दे, सुबह उसे पानी के साथ लें, इससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। अब बात करते हैं क्या ना करें। आयरन डिफिशियंसी वाले चाय, कॉफी जैसी चीजें ना लें। ये आयरन को बनने नहीं देता है। इसके जगह पर आप सौंफ पानी, जीरा पानी या मेथी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने घर में सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए।